नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल ट्रैफिक कोड के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत ही बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। अगर आप किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं या आपके पास व्हीकल है तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए, अंत तक देखनी चाहिए। कारण यह है उसका कि आने वाले समय में जो कोर्ट के जो चलान होते हैं उनका पेमेंट आप अपने घर बैठ के मोबाइल के माध्यम से ही उसका पेमेंट कर देंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है डिजिटल ट्रैफिक कोड? दिल्ली में, पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, अभी फिलहाल दिल्ली में डिजिटल ट्रैफिक कोड ने अपना काम शुरू कर दिया है। धीरे धीरे आने वाले समय में एक डिजिटल ट्रैफिक कोड पूरे देश में अपना काम करना शुरू कर देगा। अब डिजिटल ट्रैफिक कोड में मामले कौन से चल रहे हैं? देखिए, इतना तो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि जब चलान होता है तो चलान होने के बाद उसके ऑनलाइन पेमेंट की जो सुविधा है वो वर्चुअल कोड के माध्यम से, अगर ट्रैफिक का चलान है तो वर्चुअल कोड के माध्यम से वो सुविधा मिल जाती है आपको चलान के भुगतान करने का। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाती कि मेरा चलान कटा है और वो चलान वर्चुअल कोर्ट में गया है, उसका भुगतान नहीं करना, और एक टाइम पीरियड के बाद जब उसका पेमेंट नहीं होता है तो वो चलान को भेज दिया जाता है रेगुलर कोर्ट। अब रेगुलर कोर्ट में चलान आता है तो आपका जो ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन होता है वो बंद कर दिया जाता है। जब ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन बंद हो गया इसका मतलब कि आपको चलान के पेमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा उस रेगुलर कोर्ट में जिस एरिया में आपका चलान होता है। कभी कभी क्या होता है कि टू बी कंटेस्टेड का भी एक ऑप्शन होता है। अगर मान के चलिए कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है और मुझे किसी पुलिस ऑफिसर ने रोका, मुझे दिखाने के लिए बोला कि डॉक्यूमेंट दिखाइए मुझे, और मैं उस डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी फोटो कॉपी अगर शो करता हूँ, ओरिजिनल नहीं शो करता हूँ, तो मेरा चलान बना दिया जाता है। अब चलान बना दिया गया तो वर्चुअल कोर्ट में मेरा पूरा फाइन आ जाएगा उस डॉक्यूमेंट का, जबकि मेरे पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसमें फाइन नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या करूंगा, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट ने तो फाइन दे दिया, डॉक्यूमेंट शो करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। उस कंडीशन में मेरे पास यही एक रास्ता है कि मैं उस मामले को कंटेस्ट करूँ और कंटेस्ट करके रेगुलर कोर्ट में जाके अपने डॉक्यूमेंट को दिखाकर अपने फाइन को माफ करवाऊँ, या फाइन अगर माफ नहीं कुछ कोर्टी करती है तो नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का जो जुर्माना होता है जो 100 रुपये से लेकर 500 रुपये बीच में होता है उसका भुगतान करके मैं अपने फाइन को बचा सकता हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि वो चलान वर्चुअल कोर्ट में किसी कारणवश नहीं भेजा जाता है, और कभी कभी बाय मिस्टेक भी टू बी कंटेस्टेड हो जाता है। बहुत सारे रीजन है, अगर इन रीजन की वजह से जैसे कि वर्चुअल कोर्ट में चलान का भुगतान नहीं हो पाया, दूसरा चीज है कि वर्चुअल कोर्ट में फाइन बहुत ज्यादा आ गया है, जिसे मॉनिटरी के चलान के केस में देखेंगे 40,000 फाइन आ जाता है, क्योंकि आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि 40,000 का जो जुर्माना है 20,000 ड्राइवर का और 20,000 जो गाड़ी मालिक होते हैं उनका, तो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। ऐसे के केस में भी बहुत सारे लोग कंटेस्ट करके और रेगुलर कोर्ट में जाके अपने चलान का भुगतान करते हैं। तो पहले क्या होता था कि आपको कोर्ट में जाना पड़ता था फिजिकली तौर पर, बट अब दिल्ली में क्या हो गया है, दिल्ली में डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जब ये चलान डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट में भेजे जा रहे हैं तो वहाँ पे जो जज साहब हैं, कोर्ट है डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट, वो सम्मन भेज रही है जिसके नाम से चलान, जिसने देखिए सम्मन चल रहा है मेरे स्क्रीन पे, इस सम्मन को ध्यान से देखिए। अब आपको कैसे जानकारी होगा कि ये जो सम्मन आया है एक नॉर्मल कोर्ट से आया है या डिजिटल कोर्ट से आया है? देखिए, जो जज साहब की स्टैंप लगी है ना, उस स्टैंप के नीचे लिखा हुआ है डिजिटल ट्रैफिक कोड, पहली तो पहचान यह है इसके, इस पर डिजिटल ट्रैफिक कोड लगी है, लिखा गया है, इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोसीडिंग, हमारी जो सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। आप नीचे आएंगे थोड़ा सा देखिए, इसमें टाइम और डेट लिखा गया है और ये लिखा गया है कि आपकी उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे उसमें ये लिखा गया है, मीटिंग लिंक दिया गया है देखेंगे, और जट नीचे उसके मीटिंग नंबर दिया। इसी मीटिंग नंबर और इसी मीटिंग लिंक दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके आप उस डेट को
उस टाइम को जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वहां पे आप जुड़ जाएंगे। जितनी भी डिजिटल कोर्ट होती है उस डिजिटल कोर्ट में फिजिकली रूप से प्रेजेंट नहीं होना होता। जितने भी लोग उसमें लिंक होते हैं वो आप वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही लिंक होते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहां जा ही नहीं सकते, मनाही है, आप जा सकते हैं, बट अगर आप कोर्ट नहीं जाना चाहते अपने मोबाइल से और अपने लैपटॉप से ही आप अगर लिंक हो सकते हैं तो आपके लिए व्यवस्था दी गई है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और भी कहेंगे कि कैसे लिंक हुआ जाए हमें तो पता ही नहीं, काफी आसान प्रोसेस है, मैं बता रहा हूँ आप इसको ध्यान से देखिए। प्ले स्टोर से एक ऐप होता है विवेक्स ऐप, उसको आप डाउनलोड करिए और इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। इसे मैंने किया है, देखिए मेरे मोबाइल में ओपन करके आ रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो दो आपको साइन दिखाई दे रहे हैं, पहला जो साइन है ज्वाइन का आ रहा है, नीचे साइन इन का आ रहा है। आप ज्वाइन को प्रेस करिए, ज्वाइन को जब प्रेस करेंगे तो थ्री बॉक्स आपके सामने ओपन होंगे। सबसे ऊपर वाले बॉक्स में आपको मीटिंग लिंक या मीटिंग नंबर डालना है, मीटिंग नंबर ही डालिए। लिंक डालने में काफी कभी कभी मिस्टेक होने पर भी लिंक ओपन नहीं होता, मीटिंग नंबर आप डालिए क्योंकि मीटिंग नंबर दिया गया है। मीटिंग नंबर डालिए, नीचे अपना नाम लिखिए दूसरे बॉक्स में। तीसरे बॉक्स में आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी सबमिट करना है, ज्वाइन के बटन को प्रेस कर देना है। ध्यान दीजिए ज्वाइन के बटन के पीछे, ध्यान दीजिए ज्वाइन के बटन के बगल में दो आइकॉन आ रहे हैं, एक साउंड का आइकॉन बना हुआ है और एक वीडियो रिकॉर्डिंग। आप जब कोर्ट को ज्वाइन करेंगे कोर्ट प्रोसीडिंग को तो वीडियो वाला आपको अपना जो आइकॉन है उसको प्रेस करके आप कोर्ट रूम में कनेक्ट हो सकते हैं कि हमें आ गया, बट जो साउंड वाला आइकॉन है उसको आप तभी प्रेस करेंगे जब आपका नंबर या आपकी गाड़ी का नंबर उसे बुलाया जाएगा जैसे आपके द्वारा, जिससे कोर्ट प्रोसीडिंग में इंटरफियर करने से वहाँ परेशानी क्रिएट ना हो, नंबर किसी और का चल रहा है, बोल कोई और आ रहा है, इससे थोड़ी कोर्ट प्रोसीडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आपको वेट करना है जब आपका नाम और गाड़ी का नंबर बुलाया जाता है दोनों में से कोई भी, तो आपको उसको टच करना है, वो जो रेड आइकॉन शुरू हो रहा है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी आप बोलेंगे वो पूरी आवाज कोर्ट में जाएगी। और कोर्ट में जाने के बाद जो भी बातें हैं, अगर आप कंटेस्ट करना चाहते हैं केस को तो कंटेस्ट करिए, जो भी प्रोसीडिंग है जैसे आपके द्वारा बताया, जो भी प्रोसीडिंग है जैसे आपके द्वारा बताई जाएगी आपको फॉलो करके आगे बढ़ के इसको प्रोसीड कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट शो करना है आप डॉक्यूमेंट आप शो कर सकते हैं इसके माध्यम से, और प्लेट गिल्टी करके अगर अपने फाइन को आप जमा कराने चाहते हैं तो जब प्लेट गिल्टी करेंगे तो कोर्ट के द्वारा आपको एक लिंक भेजा जा रहा है पेमेंट करने के लिए, तो आप उस पर पेमेंट करके अपने केस को डिस्पोज करा सकते हैं और रसीद भी आपको ऑनलाइन ही सेंड कर दिया जाता है, तो उसमें आपको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आज आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी और आपके काम की भी होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, याद करूँगा जल्द से जल्द उसको कन्फ्यूजन को मैं दूर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।